आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, आग या फिर पानी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और आज हम जानेंगे वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी होटल के बारे में जो पूरी सोने से बनी है। और तो और आज हम जानने वाले वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में जो हमारे भारत में बनने वाली है। तो दोस्तों ऐसे गजब से फैक्ट्स जानने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर वन, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इन दोनों छोटी लड़कियों के सिर एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। और तो और इन दोनों का दिमाग सिर्फ एक ही है, यानी के दो सिर के बीच में एक ही दिमाग है। लेकिन फिर भी ये एक चमत्कारी है कि ये दोनों लड़की बिल्कुल ही जिंदा है और पढ़ाई भी कर रही है। इन दोनों लड़कियों का नाम है तातियाना और क्रिस्टा होगन। ये दोनों लड़कियां अपने एक दिमाग से दोनों का काम कर लेती है, यानी के जो एक लड़की देख पाती है वो चीज दूसरी लड़की भी देख पाती है, यानी के अपनी आईज को इंटरचेंज कर सकती है। इसके साथ साथ दोनों लड़कियों का दिमाग एक होने की वजह से दोनों की मन की बातें भी ये दोनों आपस में सुन सकती है। जैसे कि फर्स्ट लड़की जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो अपने मन में सोच रही है, तो ये दूसरी लड़की को भी वो चीज सुनाई देगी, यानी के अपने मन की बातें भी ये दोनों आपस में सुन सकते हैं। और तो इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के दिमाग भी पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये आपको साधारण इंसान नहीं लग रहा होगा, है ना? ये बिल्कुल ही अलग इंसान है और लाखों करोड़ों में से एक है। इनका नाम है गैरी टर्नर, जिसकी त्वचा विश्व की सबसे लचीली त्वचाओं में से एक है। गैरी टर्नर की त्वचा इतनी लचीली है कि वो जब अपनी त्वचा को खींचते हैं तब लगभग 15 सेंटीमीटर तक ये खींच जाती है, यानी के अगर वो अपने गले की त्वचा ऐसे खींच कर ऐसे करे तो उससे वो अपना मुंह ढक सकते हैं। सोचिए कि ये त्वचा कितनी अनोखी होगी। एक बार आप अपनी त्वचा को ऐसे खींच के देख लीजिए, कितनी स्ट्रेच होती है आपको पता चल जाएगा। और तो और गैरी टर्नर का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया है, क्योंकि ये दुनिया के लौते ऐसे आदमी है जिनकी त्वचा 15 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो सकती है। फैक्ट नंबर थ्री, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये एक जेसीबी है ना? लेकिन दोस्तों ये जेसीबी नहीं है। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, ये जेसीबी नहीं है बल्कि इस मशीन का रियल नेम है बेकोई लोडर। दरअसल जेसीबी एक कंपनी का नाम है जो इस मशीन को बनाती है। हम तो यही सोचते हैं कि ये मशीन का नाम जेसीबी है, जिससे कई सारे इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर काम किए जाते हैं। और इस कंपनी का फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड एक्सक्वेटर्स लिमिटेड। ये है इस कंपनी का फुल फॉर्म। क्या ये फैक्ट आप पहले जानते थे? अगर नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर फोर, अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल हुए हैं और फिर आप उस पिंपल को फोड़ देते हैं, फिर आपने देखा होगा कि पिंपल को ऐसे फोड़ने से काले धब्बे हो जाते हैं। तो उस काले धब्बे को कैसे साफ किया जाए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जानिए इस फैक्ट के अंदर, अगर आपके फेस में पिंपल के काले धब्बे हो गए हैं और वो किसी भी दवाई से साफ नहीं हो रहे, तो आप इसका इलाज घर बैठे ही कर सकते हैं, और वो भी सिंपल सी चीज से। आपको सिर्फ थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है और आधे चम्मच जितना सोल्ट लेना है। टूथपेस्ट और सोल्ट को मिक्स करके आपको एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को अच्छे से मिलाने के बाद जहाँ पे आपके फेस में काले धब्बे हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से इस पेस्ट की मदद से मालिश करनी है, और फिर वापस थोड़ा सा पेस्ट उस काले धब्बे के ऊपर लगा देना है, और फिर 10 मिनट के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना है, और फिर 10 मिनट हो जाने के बाद उसको ठंडे पानी से साफ कर लेना है। ऐसा लगातार 3 हफ्ते तक करने से आपके पिंपल्स के काले धब्बे बिल्कुल चले जाएंगे। ये आपको 100% रिजल्ट देगा, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप बिना अपने सिर को घुमाए पीछे की चीज देख सकते हैं? हम तो क्या, दुनिया का कोई भी ऐसा जीव बिना अपने सिर को घुमाए पीछे की चीजें नहीं देख सकते, है ना? अब आप बोलोगे कि मक्खी तो देख पाती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ दो आईज वाले जीव की, जिसकी आगे की तरफ दो आईज है और मक्खी की आईज दो से ज्यादा होती है। तो अगर हम दो आईज वाले सजीव की बात करें, तो ऐसे कौन से सजीव है जो बिना सिर को घुमाए पीछे की सभी चीजें देख सकते हैं? तो दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए। जी हाँ, रैबिट एंड पैरोट, ये दोनों सजीव ऐसे हैं जो अपना सिर घुमाए बिना पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो देख सकते हैं, है ना? बिल्कुल ही गजब। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर सिक्स, अब हम जानेंगे दुनिया की ऐसी पहली होटल जो पूरी गोल्ड से बनी हुई है। अगर गोल्ड का नाम आता है तो आपको सीधा दुबई दिखेगा, लेकिन असल में ये होटल दुबई में मौजूद नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है दुनिया की सबसे पहली गोल्ड से बनी हुई होटल, है ना? बहुत ही शानदार। ये होटल दुनिया की ऐसी पहली होटल है जो पूरी गोल्ड से बनी हुई है, और ये होटल मौजूद है वियतनाम की राजधानी हनोई में। जब मैंने गोल्ड होटल का नाम लिया तो आपकी नजर में दुबई की बुर्ज अल अरब होटल याद आई होगी। उस होटल में भी सोना यूज हुआ है, लेकिन उस होटल में सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। लेकिन ये जो आप होटल देख रहे हो, ये पूरी सोने से बनी हुई है, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड से इसको बनाया गया है, है ना? गजब की होटल। क्या आप इस होटल में जाना चाहोगे? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर सेवन, इस
फोटो को ध्यान से देखिए। आप इस होटल को तो पहचानते ही होगे, है ना, जिसका नाम है ताज होटल, जो मुंबई में स्थित है। ये होटल 117 साल पहले सन दिसंबर 1903 में बनाई गई थी। और तो ये होटल एशिया की सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। और इस होटल को बनाया था टाटा कंपनी के मालिक जमशेद जी टाटा ने, जो रतन टाटा के फादर थे। दोस्तों, इस होटल को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक बार जमशेद जी टाटा विदेश की एक होटल वेस्टर्न होटल के अंदर गए थे, जो काफी लग्जरियस थी। लेकिन जमशेद जी को उस होटल के अंदर एंट्री नहीं दी, उनको बाहर गेट से ही रोक दिया। और फिर जमशेद जी टाटा को इस बात का बहुत ही बुरा लगा, और फिर उन्होंने ठान लिया कि मैं इससे भी ज्यादा और इससे भी काफी बड़ी लग्जरियस होटल बनाऊंगा। और फिर उन्होंने 1903 में ताज होटल का निर्माण शुरू कर दिया। और फिर ये होटल बन जाने के बाद जमशेद जी ने दिखा दिया कि हमारे भारतीयों में कितना दम है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अब हम बात करने वाले दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में, जो हमारे भारत में बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है हाइपरलूप ट्रेन, जिसको चलाने के लिए एक टनल जैसी रचना करनी पड़ती है। और तो इस ट्रेन की स्पीड है 1080 किलोमीटर पर आवर, और ये एक टाइम में तकरीबन 1000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत के कर्नाटक में इस ट्रेन को बनाने की मंजूरी दे दी गई है, और ये ट्रेन का प्रोजेक्ट तकरीबन 2022 से स्टार्ट हो जाने वाला है। और जब ये ट्रेन बन जाएगी, तब ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में से एक हो जाएगी। अगर आप इस ट्रेन से बेंगलोर सिटी से बेंगलोर एयरपोर्ट तक जाते हो, तो आपको सिर्फ 1 मिनट का ही समय लगेगा। सोचिए दोस्तों कि कितनी फास्ट ट्रेन होगी। फैक्ट नंबर 9। हम छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगते हैं कि तूने मेरा ये बिगाड़ दिया, तूने मेरा वो बिगाड़ दिया, अरे भाई ये तूने काम क्यों नहीं किया। इस तरीके से हम छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगते हैं, है ना। लेकिन गुस्सा करने से क्या होता आपको पता है? ज्यादा गुस्सा करने से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, और तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ हमें बेचैनी फील होती है, और हम अपने आप को कमजोर फील करने लगते हैं। उसके साथ साथ हमें अनिंद्रा जैसी भी प्रॉब्लम्स आने लगती है, और तो बहुत ज्यादा सिरदर्द होना, और हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें और सोच बढ़ने लगती है। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ उसको भूल जाना चाहिए और सबको माफ कर देना चाहिए, वरना इससे नुकसान सिर्फ हमारा ही है ना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अब बारी आई है फैक्ट ऑफ द डे की, यानी के सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, आग या फिर पानी। तो चलिए जानते इस फैक्ट के अंदर। हमारी दुनिया में आग और पानी दोनों ही शक्तिशाली है, लेकिन अगर कहीं पे आग लगती है तो उसको पानी के द्वारा बुझाया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आग हो, लेकिन वो पानी से बुझ सकती है। यानी के आग को बुझाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सुनामी आ जाती है, तो क्या उससे बचना हमारे हाथ में है? बिल्कुल नहीं। अगर कहीं पे बाढ़ आती है या फिर सुनामी आती है, तो उससे बचना नामुमकिन है। और तो और, हम बिना अग्नि के शायद जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी से हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। और तो और, पानी के बिना जिंदा रहना किसी भी जीव के हाथ में नहीं है। तो इस वजह से ये साबित होता है कि आग और पानी में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे गजब से फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।